कर सको। हाँ, could anyone know what had happened? So many years ago. Let's have a look. What can we know about the past? What people ate, the kinds of clothes they wore, the house in which they lived. अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहा करते थे। We can also find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft person, artist, musician and scientist. हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। We can also find out about the games children played, the story they heard, the place they saw, the song they sang. यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन सी खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। Where did people live? Find the river Narmada on map. People have lived along the banks of this river for several hundred thousand years. लोग कहाँ रहा करते थे? कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। Some of the earliest people who lived here were scale gatherers, that is people who gather their food. They knew about the vast wealth of plant in surrounding forest and collected roots, fruits and other false produce for their food. They also hunted animals. अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। Now find the Suleiman and Kethar hills to the northwest. Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8000 years ago are located here. इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी तथा गाय बैलों जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in a village. Locate the Garo hills to the northeast and Vindhyas in central India. These were some of other areas where agriculture developed. उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। This place where rice was first grown are to the north of Vindhyas. जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्या के उत्तर में स्थित थे।
ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अबाउट 4700 years ago, some of earliest city flourished on the banks of this river. Tributaries are a smaller river that flow into a largest river. सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। लेटर अबाउट 2500 years ago, सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। Locate the Ganga and its tributary called the Son. In ancient time, the area along this river to the south of Ganga was known as Magad, now lying in the state of Bihar. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of country as well. Ganga tatha inki सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। इसके सहायक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। Throughout people traveled from one part of the subcontinent to another, the hills and high mountains including the Himalayas, deserts, rivers and sea made journey dangerous at times, but never impossible. लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड एंड ड्राउट। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मी कॉन्क्यूरिंग अदर्स लैंड। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। बिसाइड्स मर्चेंट ट्रेवल विथ कारवानस और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा तथा सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। फाइनली सम पीपुल परहैप्स ट्रेवल ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस। ऑल दिस लीड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपुल। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। These movements of people enrich our culture tradition.
लोगों की इसी आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। Let us revise what we learned today. What can we know about the past? Where did people live? The Suleiman and Kedar Hills to the northwest, Garo Hills to the northeast, and Vindhyas in central India. The river Indus and its tributaries, the Ganga and its tributary called the Son. Question homework. Where did people live? Who are skill gatherers? What do you know about skill gatherers? Was they hunter animals? Where is Suleiman and Kedar Hills? What kind of crop they first began to grow? Where is Garo Hills and Vindhyas? Where rice was first grown? What you understand about Magadh? Explain why people move from one place to another. Write down in your fair copy, and tomorrow in our next video we will discuss all these questions. Points to remember: question answer, total question 9. Write question answer with yourself from the help of your book or video. Classwork question heading: numbering 1 A B C D E F. Take photo of your homework and send us today. In next video, we will provide answer of today's question.